den Landesliedern kaufen. मतलब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुजी पहले ही देते लिए बैठे हैं। जॉब नहीं होता, लड़की देखता भी नहीं, कोई नहीं सर। पैसा भी है सर, पैसा भी है, पैसा है, मेहनत का पैसा है सर, ऐसा बात नहीं है, करिए यस सर, जो मेहनत करेगा सर पैसा तो उसको होना, ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा कमाएगा, यस सर। ये देखा, वर्दी का जो जुनून होता है वो किसी और में नहीं होता है, इसीलिए लड़की बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में, उनमें भी करने की हिम्मत है। अगर ये लड़की सब सारी जॉब कर लेगी तो एक भी बेरोजगार लड़का से शादी करेगी? ये लोग क्या कहते हैं कि दहेज नहीं लेते हैं, इन लोग का खुद डिमांड रहता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अगर छोटा सा भी जॉब हो गया ना तो 10 लाख 20 लाख 15 लाख ये लोग का डिमांड रहता है। ये फर्क तो रखो ना, किस चीज पे हंसना है और किस चीज पे गंभीर होना है। लेकिन जब हम यहाँ आए ना सर, तो पूरा समाज में ना ये फैला दिया गया कि हम भाग गए। मेरे पापा बोले हमको कि कोई बात नहीं, रहने दो, जाओ ना, हम है ना बेटा, इतना बदनाम किया गया ना सर कि ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये ललन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो फिलवक्त बिहार की राजधानी पटना में है। जैसे ही बिहार का जिक्र आता है आपकी आंखों के सामने कुछ तयशुदा से मंजर घूमते हैं, एक राजनीति की अधिकता वाला प्रदेश और दूसरा ऐसा प्रदेश जहां से हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हमने अपने पूर्व के वीडियोस में आपको नौजवान लड़कियों से मिलवाया, पटना विमेंस कॉलेज की, स्टार्टअप शुरू करने वाले लड़के लड़कियों से मिलवाया, अब बारी है उनकी जो सरकारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय ज्ञान बिंदु GS अकेडमी में हैं जिसे रोशन सर चलाते हैं, ये मुसल्लापुर मोहल्ला है, वहाँ पर ये अकेडमी है। ऐसा एक हॉल जो आप देख रहे हैं ऊपर भी है, जहाँ पर बहुत सारे नौजवान लड़के वहाँ पर भी बैठे हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर वो इस क्लास को अटेंड करते हैं। ऐसा एक सेंटर और भी है और ऑनलाइन भी बहुत सारे सेंटर हैं, यही है ना सर। हमको एक गुरुजी बाहर मिले, ज्ञान दे रहे थे भरपूर दलिया भर के, बोले आप दरोगा फैक्ट्री में आए हुए हैं। तो ये जितना लड़का लड़की लोग हैं सब दरोगा भर्ती का तैयारी कर रहा है। गौर से इनकी शक्लों को देखिए, इनमें से जो काबिल लड़का लड़की होंगे, हाँ दीदी आपको भी भर्ती होना है, हाँ, तो ये जितना काबिल लड़का लड़की लोग होगा वो प्री क्लियर करेगा रोशन सर, फिर मेंस करेगा, फिर अरे रुक जाओ, फिर गांधी मैदान में जाके प्रैक्टिस करेगा उछल कूद का और उसके बाद दरोगा बनेगा, ठीक बात है। अच्छा आप हमको ये बताइए कि ये तो हमने जल्दी जल्दी बता दिया, क्या क्या होता है प्री मेंस और इंटरव्यू? इंटरव्यू होता है कि सीधे फिजिकल होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल में दौड़ होता है, फिर लंबी कूद होता है, ऊंचाई कूद होता है, और उसके बाद मतलब शारीरिक टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़, और गोला फेंक होता है। अच्छा, गोला वोला तो आप लोग बढ़िया फेंक लेते हो, क्योंकि आपका यहाँ नेता लोग भी सब बहुत फेंकता है, एकदम गजब गजब देता है सब लोग है। तो कब है ये दरोगा भर्ती का इम्तिहान? अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, आएगा अभी अक्टूबर तक। आप की तबीयत खराब है क्या? कैसे निर्लज्ज लोग हो यार, मैं किसी लड़की से पूछ रहा हूँ आपकी तबीयत खराब है तो फिर उसमें भी हंसी आ रही है। एक बहुत अच्छा मनोविज्ञान का टेस्ट होता है, कभी भी समझ में ना आ रहा हो ना उस परिस्थिति में अपने आप को रख के देखो कि आप एक क्लास में बैठे हो एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग अनवेल, आप हंसोगे अपने ऊपर? फिर मैंने पूछा उनसे तबीयत खराब है, उस पर भी हंसी आ रही है। ये फर्क तो रखो ना, किस चीज़ पे हंसना है और किस चीज़ पे गंभीर होना है। जिंदगी सिर्फ एक सरकारी इम्तिहान भर निकालना नहीं है जी। आपका क्या नाम है? आरती। आरती, हाँ। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? औरंगाबाद। औरंगाबाद। तो जब तुमने घर वालों को बताया कि तुम दरोगा भर्ती का तैयारी करना चाहती हो तो वो क्या बोले? हाँ। राजी हो गए? हाँ। वाह। और अगर दरोगा के अलावा और भी कुछ निकल सोच रखा है? नहीं। एक तो तुम झिझकना बंद करो बहन, दरोगा भर्ती में ये सब नहीं चलेगा, बहुत दबंग रहना होगा, ठीक है? हाँ।
आप भी इसी का तैयारी कर रही, क्या पढ़ने वाली हैं आज? मैं देख सकता हूँ आज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ने वाली बताइए जरा। करंट अफेयर्स में आज सर टॉपिक बताएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। अच्छा, ये टेस्ट होने आपको यहीं से मिलते हैं? जी सर। कितना फीस लगता है यहाँ पे? 3500। 3500 रुपया महीना? महीना नहीं, पूरा कोर्स का। पूरे कोर्स का 3500? कितने महीने का कोर्स होता है ये सर? बोले 8 से 10 मंथ का। एक साल का? जी, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक। जब तक एग्जाम? अच्छा, ये राशन सर को तो कोई दरोगा रोकते ही नहीं होगा? इनका भर्ती सब निकला हुआ दरोगा बहुत जगह जगह तैनात होगा है। हर जिला में है? हर जिला में जी। दरोगा इनका पढ़ाया होगा? जी जी। डीजीपी का जलवा सुनाई दे रहा है इनका तो। ये देखिए, प्रमुख भारतीय विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तब आप वंदे मातरम के बारे में पढ़ेंगे। ये वही वाला है ना, आनंद मठ वाला विद्रोह? हाँ, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ता है। आज टेस्ट होने वाला है, इसीलिए आज इसको। आज टेस्ट होने वाला है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको कोई ये बताएगा, जब आप लोगों ने घर पे बताया कि आपको दरोगा भर्ती का तैयारी करना है, तब घर वालों का रिएक्शन क्या था, बताइए दीदी। देखो बहन, एक तो कोई जवाब गलत नहीं होता है, ठीक है? आज यहाँ हजारों लड़के लड़कियाँ हैं, कभी कोई ऐसे सभा हो रही होगी, रैली हो रही होगी, तुमको संभालना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा उपद्रवी लोग मिलेगा, ठीक है? मजबूत रहना है, कोई जवाब गलत नहीं होता। बताओ तुम्हारी वजह क्या थी और घर वालों की रिएक्शन क्या थी? घर वाले तो मना कर रहे थे यहाँ आने से। यस सर। क्यों, क्या कह रहे थे? समाज में एक होता है ना कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो फिर मतलब कि लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा, आगे चल करके कोई दिक्कत ना उत्पन्न कर दे, बाहर भेजेंगे तो अपना मन मर्जी ना करे, ये सब लेकर। लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी तो आगे चल के दिक्कत ना, अपना मन से चलने लगेगी, ये सब लेकर के। मन से चलने लगेगी? यस सर। तो मन से ही चलना चाहिए, अपना पन अपना मन। आपका मन होगा आप कभी आइसक्रीम खाओगे? Yes. आपका मन होगा चलोगे? Yes, तो घर वालों को लगता है मन से चलने की, तो अगर लड़की मन से चलने लगेगी तो क्या गुनाह हो जाएगा? कोई गुनाह नहीं होगा। घर वाले फिर ऐसा क्या सोचते हैं? घर वाले तो नहीं, लेकिन समाज में ये सब बुराई है। यस सर, कि लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़की बहुत। तो ये समाज इतना बदमाशी करता है, किसी दिन आपको मिल गया ना कोने में, मैंने समाज को रगेत देना है। फिर बहुत मेहनत के बाद घर वाले को समझाना पड़ा, उसके बाद यहाँ आई। मेहनत की, घर वालों को समझाया, फिर उन्होंने कैसे पापा के सपोर्ट हुए कि ठीक है जाओ पढ़ाई करो, तब जाकर गए। तो पर दरोगा का नौकरी क्यों चुना तुमने? वर्दी का जो जुनून होता है वो किसी और में नहीं होता है, इसीलिए। वर्दी का जुनून? यस सर। फौज के लिए भी ट्राई किया है? नहीं, टारगेट में दरोगा ही है। अच्छा ये बताओ, कई लोग बोलते हैं कि पुलिस वाला सब लोग डंडा बहुत चलाता है, पैसा वैसा भी लेता है। हाँ, तुमने भी सुना है? हाँ सुना है, ऐसा होता भी है, होता है? यस सर, इसीलिए ना ये सुनना पड़ा है। हाँ। तो वर्दी पहनने के बाद ऐसा नहीं करूँगी मेरा ये। तुम नहीं करोगी? यस सर। पिंकी प्रॉमिस? यस सर। नहीं होगा? ठीक है। आपके घर में क्या रिएक्शन थी जब आप लोगों ने बताया? आप बताए, आपकी शादी हो गई है? जी, क्या नाम है बहन? चांदनी कुमारी। चांदनी? चांदनी। तो आपने जब घर में बताया दरोगा भर्ती का तैयारी करना है तो क्या बोले? आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति मतलब वो बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? क्या काम करते हैं? स्टील प्लांट में, स्टील कंपनी में वो काम करते हैं। अच्छा, जब आपने कहा दरोगा भर्ती का तैयारी करना है तो क्या बोले घर वाले? मुझे बोले कि तुम जाओ, तुमको जो करना है सो तुम करो। ससुराल वाले बोले? ससुराल ने मतलब ओनली हस्बैंड, सिर्फ मेरे पति बोले कि तुमको जो करना है। और बाकी परिवार वाले क्या बोले? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करते। पति ने सपोर्ट किया, बाकी परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया। बोलो क्या बोले? मतलब बोले कि घर में रहो, मतलब घर में पढ़ाई करो लेकिन बाहर मत जाओ। घर में रहो? जी। ये सब यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तुम्हें इनसे कम्पीट करना है, सिर्फ घर पे रहोगी तो कैसे कम्पीट कर पाओगी? जी, हम एक साल मतलब घर पे भी रहकर ऑनलाइन किया, बट हमसे ऑनलाइन हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास दो बच्चे भी है, उनको भी संभालना घर के। सो इसलिए हम सोचे यहाँ पे आके मैं करूँगी, अपने एक बच्चा को लेकर यहाँ रहती हूँ और एक क्लास बच्चा आपके साथ रहता है। जी हाँ। और उसके साथ आप तैयारी कर रहे हैं। अब तो मैं समझ में आया जीवन कितना मुश्किल है लड़कियों का। घर वालों से जूझो, समाज से जूझो, पालन पोषण करो माँ के तौर पे अपने बच्चे का, और तैयारी भी करो।
बहुत शुभकामनाएं, ऐसी मजबूती से डटी रहना, ठीक है बहन जी। आप कहाँ से आई हैं? नमस्ते। अरे नमस्ते सर। सर मैं सिवान जिला से हूँ। सिवान से? यस सर। वो वाला सिवान? सिवान किस चीज के लिए मशहूर है? सर वैसे काफी चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अच्छी चीजों के लिए और मशहूर हो। किस चीज के लिए मशहूर है और किस चीज के लिए मशहूर होना? सर वहाँ पर जैसे कुछ ऐसे भूतकाल में ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण सिवान को थोड़ा सा अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता है। जी सर ये कहना चाहते हैं सर, बस इतना ही कहना चाहते हैं। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि इसे अब अच्छे अच्छे एजुकेशन को लेके, अच्छे जेंडर इक्वालिटी को लेके, इसको लेके सिवान और बिहार को जाना जाए। बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए जरूरी है कि सिवान के लड़के लड़कियाँ जिंदगी में अच्छा काम करें। यस सर। सर मेरे पापा ने मुझे खुद भेजा है, वो खुद चाहते हैं कि मैं दरोगा बनूं, उनका ही है कि मेरी लड़की बने। मेरी आमाई दरोगा। यस सर। कुछ अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन भी सोच रखा है? सर अल्टरनेटिव करियर मैंने एजुकेशन में टीचिंग सोचा है, मुझे टीचिंग भी बहुत पसंद है, पढ़ाना भी बहुत पसंद है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूं, और अगर कोशिश तो है कि 100% इसी में दूं, इफ नॉट अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं टीचिंग लाइन में देखूंगी। ठीक, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका कुमार। बताइए। यस सर, हम बंगाल से हैं। आप बंगाल से आई? यस सर। देखिए सब लोग बोलते हैं बिहार से लोग बाहर जाते हैं, यहाँ बाहर से बिहार आ रहा है। जी यस सर, पहले तो फैमिली लोगों ने मतलब बोला कि बिहार में जाके क्या करोगी, बिहार फैमिली ने बोला कि बिहार में जाके क्या करोगी, और पटना में पढ़ाई नहीं होता, घर पे ही पढ़ाई करो, बट मैंने कहा कि नहीं, वहाँ पे अच्छा कंपटीशन होता है। पटना में तो इतना सब पढ़ाकू लड़का लड़की लोग हैं। यस सर। हाँ। तो मम्मा ने मेरा साथ दिया, मम्मी ने बोला कि जाओ वहाँ पे पढ़ाई। यस सर। यस सर, फिर ये फिर आई मैंने, और फिर यहाँ ज्ञान बिंदु ज्वाइन किया। हाँ, यहाँ पे कौन था? कैसे आऊँ मैं वहाँ? आप आ जाओगे? कैसे आओगे? कितना बहनापा है, वो थम्सअप भी कर रही। जाओ बहन, अच्छे से बोल के आना। बस बस यही ठीक है, बताओ क्या नाम है? सपना कुमारी। सपना, घर कहाँ हुआ तुम्हारा? सपना शेखपुरा जिला हंसब। शेखपुरा नया बना जिला है, छोटा जिला है। छोटा जिला उधर जी 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 मुंगेर और उस एरिया। हाँ जी उधर जी। बताइए सर, गर्मी है आपका? जब मैं यहाँ आना चाह रही थी ना सर, तो मेरे मतलब मम्मी तो पहले बहुत डर रही थी कि जाना नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली से कोई भी यहाँ नहीं आया था, लेकिन जब हम यहाँ आए ना सर, तो पूरा समाज में ना ये फैला दिया गया कि हम भाग गए पूरा। लेकिन फिर मेरे पापा मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे पापा बोले हमको कि कोई बात नहीं रहने दो, तुम जाओ ना, हम है ना बेटा। इतना बदनाम किया गया ना सर कि तुम पहले तो आंसू पोंछो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सपना कुमारी लखीसराय की रहने वाली हैं, एक गांव की, शेखपुरा की सॉरी। बड़ी मुश्किलों से ये तैयारी करने के लिए यहाँ पे आई। जब ये यहाँ आई तो आसपास के समाज ने ये अफवाह फैला दी कि इनकी लड़की भाग गई है। ये समाज कहीं बाहर से नहीं आता है, ठीक है? हम और आप और हमारे घर वाले और चौक चौराहों पे खड़े होकर जो हम टिप्पणी करते हैं वही है समाज, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। हाँ बताओ। मेरे सारे बहनों को रास्ता में सब टोकने लगा कि इसकी बहन भाग गई भाग गई। मेरा भाई से सब पूछने लगा। अब फिर मैं जब हमें आप बहुत रोए ना, तो हम पापा को कॉल किए। पापा बोले पागल, हम तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे जिंदा हैं, तुम्हारे लिए जो बोलता है बोलने दो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सर मेरा फैमिली ना, मेरे पापा ना, मेरे पापा पे इतना ज़्यादा मेरे को प्राउड है ना कि हम बता नहीं सकते। इतना मेरे को टॉर्चर किया ये समाज नाम का चीज़ ना सर कि हम बता नहीं सकते। तैयारी करने के लिए हमको हर वक्त ही सुनना पड़ता है। अभी भी जाते हैं पापा को बोलते हैं सब, तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी करवा दो, शादी कब करोगी, ऐसे उसे पूरा। हम चार बहन हैं एक भाई है। कुछ नहीं सर, मतलब हम लोग बहुत लो कैटेगरी मतलब हैं, तो बहुत मिडिल क्लास के फैमिली से हम आते हैं।
पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, हम हैं तुम्हारे फैमिली तुम्हारे साथ है, तुम करो ना तुमको जो करना है, क्या बोलते हैं हम देख लेंगे समाज को, तुम आराम से पढ़ाई करो। तो इसलिए सर हिम्मत है और हम बिल्कुल आंसू पोंछ लो, ठीक है, और तुम बिल्कुल ठीक काम कर रही हो। अच्छी बात ये है कि तुम्हारा परिवार इस बात को समझ रहा है, ठीक है, इसलिए तुमको खूब मेहनत करनी है और अपने माता पिता को और अपने आप को सही साबित करना है। और जितना सब ये लोग कमेंट करते हैं सबको ठेका दिखाना है, ठीक है, बहुत तुमको आशीर्वाद, खूब बढ़िया से मेहनत करो और तुम्हारे जैसी लड़कियों से ही बदलेगा ये, ठीक है। आप तो पूछो, बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठो, ठीक है। इतनी कहानियां हैं साहब, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एक विद्यार्थी भर है पर सबका अपना स्ट्रगल है। हाँ भाई, आप लोगों में कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ आ जाओ, आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। तुम लोगों का संघर्ष भी सुनेंगे। क्या नाम है? राधा कुमारी। राधा, यस सर, क्या बताओ, क्या कहना चाहती हो राधा? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जितना मतलब बिहार की लड़कियों के साथ स्ट्रगल है उतना कहीं किसी और के साथ नहीं है। स्ट्रगल यही है कि समाज में जो जिस तरीके से लोग बातें किया करते हैं, जो कहा करते हैं कि लड़की लड़की बाहर नहीं जा, क्या कहते हैं, लड़की बाहर नहीं जा सकती है, पढ़ नहीं सकती है, अपने दम पर कुछ कर नहीं सकती है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में, उनमें भी करने की हिम्मत है, करने की हिम्मत है, वो कर सकती है। इसीलिए हमको लगता है कि हर एक लड़कियों को अपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए पहले खुद स्टैंड लेना चाहिए। ये बात आपने बहुत सही की, हर लड़की को सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तब बाकी लोग उनके लिए स्टैंड लेंगे, तो बाकी लोग भी उसके उसका उसकी बातों को सुनेंगे। तो इसीलिए जी, और कोई? हाँ देखो, अब धीमे धीमे साहस आ रहा है, शाबाश। क्या नाम है? निधि कुमारी। बोलो। सर मैं बहुत छोटे ही गाँव से आई हूँ, मतलब मेरे गांव में यहाँ तक स्कूल भी नहीं है, स्कूल कॉलेज 10 किलोमीटर तक स्कूल। शांत हो जाइए, जो आपके पास अभी हफ्तों रहेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि लल्लन टॉप वाले आए थे, किसने क्या बोला, अभी सुन लीजिए थोड़ा सा। जी मतलब कि फिर मैंने किसी तरह से पढ़ाई किया दूसरे गांव में जा करके, इसके बाद मेरे गांव का एक कल्चर रहा है कि वहाँ 16-17 साल की लड़कियाँ होती हैं, शादी कर दिया, 16 साल में शादी कर देते हैं, 16-17। कहाँ गाँव है आपका, कौन सा जिला? औरंगाबाद के जिले में नवी नगर थाना में एक छोटा सा गांव है, 8-9 घर वहाँ, 8-9 घर ही होगा, और हम जनरल कैटेगरी से हैं, राजपूत फैमिली से। तो राजपूतों में है कि हमारे घर की लड़कियां ना तो सिपाही में जा सकती हैं, ना दरोगा में जा सकती है, सब नौकरी नहीं कर सकती हैं। मेरे ऊपर भी जब मैं 11th का पढ़ रही थी उसी टाइम मेरे फादर का डेथ हो गया, उसके बाद मेरे ऊपर मतलब प्रेशर आने लगा कि आपको भी शादी करना होगा। मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। फिर मैंने किसी तरह से ट्यूशन करा करके, बच्चों को पढ़ा करके, सिलाई करके अपना आगे का ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई की है। इसके बाद 2019 से मैं घर से मतलब करने लगी कि मेरे को बाहर जाना है, पढ़ने जाना है, पढ़ने भेजिए, पर घर से भी कोई सपोर्ट नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैं पीजी कर ली। इसके बाद फिर मेरे सिस्टर का थोड़ा सपोर्ट रहा, जो बड़ी सिस्टर का भी शादी कर दिया गया। उसके बाद फिर वो हमको बहुत सपोर्ट की, सपोर्ट के बाद फिर हम यहाँ आए, पटना आ गए, पिछले ही साल हम आए हैं। और इसके बाद फिर घर वाले लोग भी मतलब हमसे मतलब ऐसा हुआ कि घर वाले लोग भी आज हमसे बातचीत नहीं करते हैं इतना यहाँ हम जी हम घर वाले लोगों के थी से शादी वादी नहीं की, इसलिए घर के लोग भी अब सपोर्ट नहीं करते, यहाँ तक कि मेरी मम्मी का भी सपोर्ट इसमें नहीं रहा, बस मेरी एक सिस्टर। हाँ पढ़ने नहीं जी। और गाँव में पता है मैं गाँव में नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं कि ये भाग गई है, ये मतलब कि गलत करती है, इस मैं गांव जाना छोड़ दी हूँ। गांव में जिस जगह तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। मैं गांव नहीं जाती हूँ अब, मेरा मतलब एक ही है कि मैं एसआई का, मेरा मतलब एसआई तक का नहीं है, मैं बीपीएससी देना चाहती हूँ, बीपीएससी के बाद फिर मैं सोचती हूँ जी। हाँ भाई, कहाँ बालक लोगों के लिए कहाँ से आया जाए? I don't know how do you manage this crowd. अरे डंडा इसीलिए है, डंडा लेके चलूं? तुम्हारा तो बड़ा अच्छा हैंड राइटिंग है, कि तुम्हारा हैंड जो छपाई है ये, अरे साहब बताइए, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, मोबाइल में तो टाइम वेस्ट नहीं करते रहते हो।
ये तुरंत दाएं बाएं देखने लगी, हमसे कुछ ना पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ? लव कुमार। लव? यस सर। अरे उसका नाम है लव यार। घर कहाँ हुआ? दरभंगा। दरभंगा। पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से? यस सर। और लव? वो तो सवाल पूछ, उसका नाम लव है, LOVE वाला लव नहीं। वो तो करता हूँ अपने फैमिली से सर। फैमिली से लव करते हो? यस सर। बहुत बढ़िया। ये बताओ कि थोड़ा एक बिहार में सरकारी नौकरी का इतना चाव क्यों है सर? देखिए, अरे उसको बताने तो, अपनी बारी भी अपना बताना। सबसे ज्यादातर सर बिहार में दरोगा को लेकर भोकाल है सर। दरोगा का भोकाल? यस सर। उसमें पावर है, उसके साथ साथ जो है सो एक इज्जत भी है सर। एक इज्जत भी है सर। पावर है, इज्जत है, और क्या है? और सर जो है सर समझेगा सर। यस सर। अरे हम नहीं समझे, सुनना चाहते हैं आपसे। पैसा भी है सर। पैसा, पैसा भी है सर। दरोगा का सैलरी बहुत ज्यादा है क्या? नहीं सर, 60-50 के आसपास है सर। आप तो बोले पैसा है बहुत। पैसा है, मेहनत का पैसा है सर, ऐसा बात नहीं करी। यस सर, जो मेहनत करेगा सर पैसा तो उसको होना। ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा कमाएगा। यस सर। ये देखो, ये देखिए गुरु जी, ऐसा बात नहीं है सर। कैसा बात है? पैसा तो वीडियो ईडी वाला भी देखता है। पैसा सर, पैसा एक अलग हो गया सर। मेन बात है सर, दरोगा में देखिए पावर है, एक तरह से गरीबों का मसीहा कहा जाता है सर बिहार में। ठीक है सर, वो गरीबों को सबसे पहले सुनते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो दरोगा ही जाते हैं सर। पुलिस का जिम्मेवारी का नौकरी भी है सर। दरोगा जी बहुत जिम्मेदार होते हैं। यस सर। कुछ को सर, मेन बात है सर, कुछ को छोड़ करके ऐसा नहीं है कि सारा बदनाम है सर। उसमें कुछ अच्छा भी है। कुछ अच्छा भी, तुम अच्छे दरोगा बनोगे। यस सर। कह रहे हैं कि अच्छे दरोगा बनेंगे लव कुमार। हाँ, क्या कह रही हो? ये लिए जोर से बोलो, ये फुसफुसा के बोलने का जमाना नहीं है। क्या कह रही थी बताओ? कह रहे जब तक जो नहीं बनते तब तक बोलता है कि हाँ ईमानदार बनेंगे, बनने के बाद सबकी ईमानदारी खत्म हो जाती है। तुम्हारी भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तुम ईमानदार रहोगी? यस सर, हम अभी तो तैयारी कर रहे हैं ना, बन जाएंगे फिर आप। ये देखो, ये नेताओं की तरह ओपन एंडेड जवाब दे रही है। अभी तैयारी कर रहे हैं, आगे देखेंगे ईमानदार रहेंगे कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम जब अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, बिहार के बारे में पढ़ते थे या अरे आ रहे हैं सुन तो लीजिए पहले, तो हम सुनते थे यहाँ पे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ी बात होती थी। हर जिले में दो चार बाहुबलियों के नाम गिनाए जाते थे, ये फलानी पार्टी का बाहुबली, ये ढिकानी पार्टी का। हाँ? पहले ऐसा होता था। आपका जिला कौन सा है? सर वैशाली। वैशाली के भी बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आपके यहाँ से भी बाहुबली हुए हैं क्या? पहले थे बट अभी तो कम। कहाँ चले गए सर? सब हैं मतलब अब शांत हो गए। शांत हो गए क्या? कारोबारी हो गए हैं क्या बाहुबली? कानूनी प्रक्रिया से सर। अच्छा, कौन कौन था वहाँ पे वैशाली में? ऐसे सब नाम सर नहीं ले सकते सबके सामने। नाम नहीं ले सकते? अभी भी इतना खौफ है? हाँ है सर। नहीं नहीं, वस्तुस्थिति अगर वो क्या है भाई, उनको अपनी जान माल की चिंता करनी है। तो आप बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है? हाँ सर, पहले के मुताबिक सही है। पहले की अपेक्षा आप सही है सर? 100% तो नहीं है सर। पहले के मुकाबले बेहतर है पर पूरी तरह ठीक नहीं है। पहले के मुकाबले बेहतर है लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव दूर दराज का है, यहाँ पर रात को जाना सेफ नहीं होता है। जैसे किस जिले में? हम आरा से, भोजपुर जिला से आए हैं। आरा से? यस सर। आरा जिला सुन के बाकी लोगों का पसीना छूट जाता है। भोजपुर से सर। वहाँ पर बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पर रात को जाना हम लोग खुद अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं वहाँ पे। जी बताइए, पूछिए जो भी पूछना है। जो भी पूछना है? हाँ मतलब रिलेटेड जो भी पूछिए। आपको यही जानना चाह रहा है कि सरकारी भर्ती का क्रेज और जो बच्चे सरकारी भर्ती का तैयारी कर रहे हैं उनके सामने दिक्कतें क्या? सर दिक्कत तो बहुत सारी परेशानियाँ। पहले तो अपने घर से सबसे बड़ा दिक्कत ये खाना बनाने का। अगर आप बैचलर हो ना सर, अगर हॉस्टल में हो फिर तो खाना बनाने का सबसे बड़ा दिक्कत होता है। एक सेकंड, नाम क्या है तुम्हारा? प्रतीक राजपूत। प्रतीक राजपूत। प्रतीक राजपूत कह रहे हैं कि अगर आप बैचलर हो तो खाना बनाने का बहुत दिक्कत है सबसे ज्यादा। और मान लीजिए शादी हो गया फिर दो लोगों का खाना बना जाता है उस समय। मान लीजिए आपका पत्नी भी तैयारी कर रहा है और उसको खाना बनाना आता भी नहीं है, अभी एक का बना रहे तब दो का बनाएंगे फिर कैसे होगा राजपूत? उसमें फाइनेंशियल कंडीशन सही रहेगा ना सर? शादी करने से एक सेकंड,
शादी करने से फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सही होगा? पहले जॉब करेंगे तभी तो शादी करेंगे, उसके अलावा लड़की देखती भी नहीं है। उसके अलावा कौन लड़की किसको देखती है सर? अच्छा, जब तक जॉब नहीं होता लड़की देखता भी नहीं? कोई नहीं सर, ये फैक्ट है सर। फैक्ट है। और हम लोग भी देखना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आप भी नहीं देखना चाहते हो। पहले मतलब जब तक जॉब नहीं होता तुम ऐसे नजर हटा लेते हो? उस सेंस से नहीं देखते जिस सेंस से देखना चाहिए। उस सेंस से नहीं सर, देखते जिस सेंस से देखना, किस सेंस से देखना चाहिए? मतलब कि जो शादी का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सेंस शादी वादी से नहीं। और नौकरी लगने के बाद सबको तुम शादी के सेंस से देखते हो? नहीं नहीं, ये वहां से स्टॉप बोल रहा है सर तुमको। ये थोड़ा सेंस समझाइए हमको, थोड़ा हमारा भी सेंस। सेंस का इट मींस कि मतलब अगर सर आप कोई लड़का जॉब नहीं करेगा, जब फाइनेंशियल में पैसा नहीं होगा तो शादी करने से कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप किसी लड़की को ला रहे हो अपने घर में, अगर उसका ये मतलब तीन स्टेप है, तैयारी, नौकरी, शादी। मेरे प्रेम कहाँ है इसमें? प्रेम हम लोग का प्रेम का उम्र में सर स्ट्रगल करना होता है। प्रेम की उम्र में स्ट्रगल करना होता है? इतना आयरनी है ये, पर प्रेम का तो कोई उम्र नहीं होता है। बट सर बोलते हैं ना, सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेम के समय में स्ट्रगल करना बेस्ट रहेगा। क्या बोलते हैं सर? सर का नाम एक ही सर मोटो है सर का, कि अभी स्ट्रगल कर लो, प्रेम तो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, रोशन सर ये बोलते हैं अभी स्ट्रगल कर लो, प्रेम तो बाद में भी कर लोगे। ये बात भी सही है। सही बात है, अगर स्ट्रगल करके कुछ बन जाएंगे तो प्रेम कभी भी और कभी भी किसी समय भी हो सकता है। लड़का स्ट्रगल करके कुछ बन जाएंगे तो प्रेम किसी भी समय, लड़का सक्सेसफुल और लड़की स्मार्ट, प्रेम दो मिनट में हो सकता है। सुनिए ये देखिए, लव गुरु कुछ ज्ञान दिए। नाम बताइए, नाम क्या हुआ? उज्ज्वल श्रीवास्तव। उज्ज्वल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अगर लड़का सक्सेसफुल हो और लड़की स्मार्ट तो प्रेम कभी भी हो सकता है। यस सर, सही बात है। अगर जिंदगी में अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अभी रुकिए, पूछ लेते। अरे रुक जाओ, एक से एक से। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया ये कह रहे हैं लड़का सक्सेसफुल हो और लड़की स्मार्ट तो प्रेम कभी हो सकता है, सही कह रहे हैं? सर पता नहीं, इस नहीं कोई बोलना चाहेगा इस पे? नहीं सर। नहीं, हाँ बताइए, थोड़ा इधर आइए। अरे रुक जाओ, रुक जाओ यार। अगर श्रीवास्तव जी ये कहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों सक्सेसफुल हों, अगर वो ये कहते तब तो बात समझ में आती, बराबरी की बात थी कि लड़का भी सक्सेसफुल लड़की भी। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मिली घोष। सर मैं इस पे तो नहीं कहूँगी, मेरा कहने का मतलब आपने क्वेश्चन पूछा कि सबको बिहार में गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े, तो इसका एक रीज़न है कि बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में जो मतलब जो 12th पास कर गए हैं वो लोग के पास मतलब कि उतना अच्छा एजुकेशन क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे उनके पास मतलब कि या तो फाइनेंशियली कोई इशू है, या फिर मतलब कि किसी की मम्मी बीमार है, किसी का कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई की जो सोर्स होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। पहले के ज़माने में बिहार में तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, विक्रमशिला यहीं का है, नालंदा यहीं का है। लेकिन आजकल हम लोग बस एग्जांपल देते कि हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला थी, लेकिन यहाँ पे अब वैसे पढ़ाई नहीं होता है। और अगर जहाँ पढ़ाई होता है तो वहाँ पे मतलब कि लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट नहीं है किसी भी प्रदेश में। सारे यूपी तक बिहार से बाहर। बताइए आपको लगता है कि किसी पॉलिटिशियन ने या पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार के इस कंसर्न को एड्रेस किया है? सर मैं तो इस चीज़ से मैं ये कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये करना कहना चाहूँगी कि अभी अगर तक अभी नहीं किया है तो करना चाहिए। बिकॉज सर सर मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद मुझे प्रॉपरली मैं इसमें कुछ ये नहीं कहूँगी, क्योंकि सारे ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका कुछ फ्लॉज भी है और कुछ उनका अच्छा भी है। हाँ, किस नेता से उम्मीद है? अगर जिस तरह का डेवलपमेंट हम चाहते हैं एजुकेशन का और इंडस्ट्री का, तो मेरे को लगता है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी का है। लेकिन हाँ, उनका भी अपना फ्लॉज है, मैं इसमें ये नहीं कह सकती। उनका दिल्ली घोटाले केस में भी नाम आया और बहुत चीज़ हुआ है, तो मैं इसमें पॉलिटिकल व्यूज में मैं जा ही नहीं रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में अगर किसी को कुछ चाहिए तो यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उसमें सिर्फ 2000 का ही निकलेगा,
बाकी बिहार में हर साल 4 लाख 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं दरोगा का, किन्हीं का नहीं होता, फिर वो नेक्स्ट बार के लिए देते हैं, तो ये गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी पांडे, मैं नालंदा से हूँ। राखी पांडे नालंदा से, नालंदा से। ये मेरा कहने का मतलब यह है, पॉलिटिकल पार्टी में जो भी हो, या तो हमारे यहाँ बिहार में RJD से हो या फिर JDU से हो, बात ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये है कि जो भी पार्टी बहुत टाइम से चला आता रहता है उसका व्यवस्था एकदम चरमरा ही जाता है कहा जाए तो। हमारे यहाँ जो जैसे अभी का जो हम लोग का स्थिति है बिहार में, हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के लेके इतना ज़्यादा पूरे देश में कहा जाए तो पूरा हालत ख़राब है। पूरे देश में कहीं भी जाए तो बिहार को एक गाली नाम से बोला जाता है, सब जगह बिहारी लोग को एक गाली सुनना पड़ता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जैसे कि हमारे बिहार में कि कोई ये नहीं RJD नहीं हो, JDU नहीं हो, जो जो एक अच्छा काम करे उसके लिए वोट किया जाए। हाँ बोलिए। अश्विनी कुमार मेरा नाम है। सर यहाँ के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक है, और कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता। जी सर, बिहार पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था सर, और हम लोग जिस हिसाब से यहाँ मेहनत करते हैं सर, मेहनत करने के बाद जब पेपर आउट हो जाता है तो किसी नेता से उम्मीद है आपको? किसी से उम्मीद है? कोई हम लोग का आवाज़ ही नहीं उठाता है, पेपर लीक पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है सर, कोई भी नेता। सर आप प्रभास कुमार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। सर आप पहले वहाँ बोले कि मतलब दहेज के बारे में सर आप बोले कि मतलब सरकारी जॉब करने के बाद लड़का लोग दहेज का डिमांड करता है। अरे कभी नहीं करना चाहिए, सरकारी करना चाहिए। मतलब दहेज का डिमांड लड़का नहीं करता है, जब उसका पेरेंट्स जो है, किसी का पेरेंट्स अगर वो मतलब वो अपने बेटी का शादी जहाँ का फिक्स करना चाहते हैं, वो क्या देखता है? उसका मतलब एक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, एक लड़का सेटल होना चाहिए, तो वो हर चीज़ अच्छा देखता है। वो नहीं देखता है कि मतलब लड़का अगर बेरोजगार है उसके साथ मतलब शादी कर दे या कुछ कर, तो वो मतलब दहेज का जो डिमांड है उसके वहीं से क्रिएट हो जाता है। अच्छा, लड़की लोगों का परिवार का गलती है, वो जबरदस्ती दहेज दे देता है। जबरदस्ती का बात नहीं है। लड़की का पेरेंट्स जो है डिमांड क्या करता है कि लड़का मतलब अच्छा सेटल होना चाहिए, लड़का करेगा डॉक्टर से शादी। अच्छा सेटल होना चाहिए तो दहेज। लड़की बेरोजगार है। आप लोग ये कहिए ना कि दहेज वहेज नहीं चाहिए, जितना हम पढ़े उतना लड़की। अगर आप यहाँ पर इतना सारी लड़की पढ़ रही है अभी, अगर ये लड़की सब सारी जॉब कर लेगी तो एक भी बेरोजगार लड़का से शादी करेगी? कोई ऐसा लड़की नहीं है कि बेरोजगार लड़का से शादी करेगी। अगर मतलब लड़कों को भी ये कहना चाहिए कि हम बेरोजगार लड़की से शादी लड़का करता है। लड़का अगर बेरोजगार है, सॉरी रोजगार, अगर उसको रोजगार लग जाता है तो एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन एक लड़की जो रोजगार हो जाती है उसका, वो एक बेरोजगार लड़का से शादी कभी नहीं करना चाहता। इससे दहेज कैसे जस्टिफाई हुआ? दहेज का ये मतलब कॉम्बिनेशन है। अगर कोई एक पेरेंट्स क्या चाहता है, लड़का एक सेटल होना चाहिए, एक लड़का सेटल होना चाहिए, वो मतलब अच्छा खासा जॉब। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब करते हुए बेरोजगार से शादी करती हैं? अगर ये नहीं करती हैं, इससे दहेज कैसे जस्टिफाई होगा? अगर वो नहीं कर सकती तो रोजगार वाला लड़का कैसे बिना दहेज के कर सकता है? क्यों आप रोजगार वाली लड़की तलाश, दहेज क्यों तलाश रहे? सर जैसे दहेज प्रथा है, जो कहते हैं कि नौकरी ले लिए हैं तो लड़की लोग दहेज। मेरा नाम विशाल केसरवानी और मैं जमुई जिला का हूँ। तो अभी जो भैया बोले हैं कि दहेज जो बोल रहे कि लड़की लोग के फैमिली दहेज देता है, तो पूरा गलत है सर। देखिए जो भी लड़के, जैसे मैं ही अपने माँ बाप का लड़का हूँ, तो मैं अगर नौकरी ले लूँगा तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि हम अपने बेटे को पढ़ाए हैं तो हमको कुछ शादी का कुछ खर्चा चाहिए। इस टाइप का इसी तौर पे हमारे आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जो एक सेक्स वर्कर का आप इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ एक्टिविस्ट थी वो, जो कोई रूरल एरिया से आती है उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर रहती है, वो आके मतलब हाँ वो आप मेरा पॉइंट ये है। सवाल क्या है? सवाल मैं मुद्दा पाता हूँ, रुको यार मैं मुद्दा पाता हूँ। वो सवाल ये है कि जो मतलब वो सेक्स वर्कर थी ना, उसका मतलब कुछ बच्चे भी थे 3-4, ठीक है,
वो ये कह रही थी कि अगर हम अपने बच्चे को अपने प्रेफरेंस दिए अगर वो सेक्स वर्कर रोजगार पे रोजगार पे बात चुनाव का माहौल चल रहा है लेकिन कोई भी रोजगार कोई भी बात नहीं करता कोई बात ही नहीं बात करती रोजगार पे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव सर ने बात किया था और सर आज सर हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो वैकेंसी जैसे सर एक साल पे आ रही है देर देर से आ रही है वो छह छह महीना पे कर दिया जाए ताकि जो जितना बेरोजगारी है ये सर वो कम हो। 2000 सबसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है सर, पूरा भ्रष्टाचार बिहार में भरा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं सब। लालू यादव के राज में नौकरी आधी पैसा लेकर नौकरी मिलता था, जमीन पर नौकरी मिलता था लालू यादव के राज में, आज भी नीतीश कुमार उनसे बढ़िया है। मेरा चंदन कुमार मेरा नाम है, मैं पटना में पढ़ता हूँ और मेरे खिलाफ गांव में षड्यंत्र रच के मेरे बड़े पापा के द्वारा ही केस में दारू केस में मुझे नाम फंसा दिया गया। दारू के केस में? हाँ, मुझे यहाँ पे तो दारू बिकता ही नहीं है। मेरे मेरा नाम झूठो का केस में मैं पटना में पढ़ता हूँ, मेरा नाम दिला दिया गया। ठीक है, बैठ जाइए, मेहनत से पढ़ाई करिए, उसी में गुजारा है। ठीक है, और जोर से चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं खत्म करने वाला हूँ वीडियो, किसी नेता से तुम लोगों को उम्मीद है कि कोई तुम लड़कियों का देश का बिहार का ख्याल रखेगा? नहीं, पॉलिटिशियन में नहीं, हम लोग पढ़ाए में इंटरेस्ट, पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट नहीं है। वोट तो डालोगी ना, कभी वोटर बनोगी तब तो वोट क्या डालोगी, कहने में दोगी, अपने मन से दोगी? अपने मन से। कोई नेता पसंद है, कोई पार्टी पसंद है? नहीं, कोई पसंद नहीं। मतलब पॉलिटिशियन से इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है जी। आप क्या क्या सोचना है लोकसभा चुनाव के बारे में बताइए, कोई मुद्दा, कोई नेता, कोई पार्टी? नहीं सर। लड़की लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इतना कम क्यों होता है? कोई है ही नहीं सर, क्या बोले जो ऐसा कुछ कर सके बिहार के लिए। किसी से उम्मीद नहीं है। चलिए, हम लोगों ने पर्याप्त समय ले लिया है, आप लोगों ने मुझे तमाम चीजें, अच्छा वहां के रह गए, रुक जा रुक जा, ये आखिरी के बस दो रिस्पॉन्स और ले लूं ताकि पीछे के लोग ये ना कहें कि हमारे पास आए नहीं। सब लड़का लोग ऐसे शोर मचाता रहता है, कभी कभी मचाता है। तेजस्वी बिहार को बदल सकता है, पूरा तेजस्वी बिहार को बदल सकता है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी पेपर लीक का है। पेपर लीक के बारे में हाँ, सबसे वो करेगा कुछ, तेजस्वी भैया आएगा, अच्छा करेगा। सर मेरा नाम अमित है, मैं बिहार का सीतामढ़ी से रहने वाला हूँ। सर लड़कियों ने प्रॉब्लम बताई कि मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आने में। सर लड़का को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे सर, क्योंकि घर से उतना पैसा मिल नहीं पाता जितना चाहिए यहाँ पे सर, 4-5 हज़ार के महीना में पटना में बहुत महंगा पड़ता है। जी जी जी, मेरी सरकार से एक विनती है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो इसको मतलब समय से लागू किया जाए। उन्होंने भी कहा कि 6-6 महीने में भर्ती हो ताकि 1.5 महीने में इनके चुनाव हो जाते हैं, 1.5 महीने में इनके रिजल्ट आ जाता है। मेरा NTPC 2019 का फॉर्म, 2019 का ग्रुप दीपक कुमार। दीपक बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अगर चुनाव समय से हो सकता है और उसके नतीजे समय से आ सकते हैं तो भर्ती समय से क्यों नहीं हो सकती। 2019 का मेरा सौरभ जी, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो जितने भी स्टूडेंट आए हैं दरोगा की तैयारी करने, सबको तो नहीं हो सकता है ना, तो नेता को ये सोचना चाहिए कि अपना बच्चा को उतना दूर दूर पढ़ा सकता है, लंदन पढ़ा सकता है, कनबीट पढ़ा सकता है, तो इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी पढ़ा सकता है ना यहाँ। स्किल डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए, डेवलपमेंट में जोर देना चाहिए। कार्बन कॉपी देना, आंसर की नहीं देता है, आंसर की नहीं देता है। चलिए, आप समय की पाबंदी है, सॉरी, आप देखिए जैसे आप लोग कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं ना, वैसे हम भी कुछ ही लोगों को चुन पाए रिस्पॉन्स के लिए। साथ रहिए, साथ रहिए,
जी कई लोगों ने बोला इंडस्ट्री सेटअप के लिए। जब भी हम बिहार में कहीं जाते हैं तो ये बार बार मांगे आती है। मांग नंबर एक, सरकारी भर्ती नियमित निकले, पेपर बिल्कुल भी लीक ना हो, दुरुस्त ढंग से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट आए और समय से नियुक्ति पत्र मिले। ठीक बात है। दूसरी बात, बार बार बिहार के बच्चे ये कहते हैं कि सब तो सिलेक्ट होंगे नहीं, लगातार स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुलें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हों ताकि उस स्किल को अप्लाई करके आप लोग अपने घर या जिले के आसपास ही नौकरी कर सकें। ठीक बात है। तीसरी बात, जो बिहार को लेके, बिहार की अस्मिता को लेके बाहर कुछ लोग खिल्ली के स्वर में बात करते हैं, वो चीज़ दूर होनी चाहिए। बिहार का होना गर्व का विषय होना चाहिए, शर्म का विषय नहीं। चौथी और जो सबसे ज़रूरी बात है, कहाँ गई वो दीदी? नहीं नहीं यहाँ बैठी थी। क्या नाम है आपका? सपना। ये सपना की कहानी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि एक लड़की अपने गांव से पढ़ने निकली है और उसको कितने लांछन सहने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हारी कहानी कभी नहीं भूलूँगा, ये देश नहीं भूलेगा, ये कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। तुम ऐसे ही मजबूती से, तुम सब लोग, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पीछे लड़का भी बोला हम लोग को भी बहुत दिक्कत होता है, आर्थिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है, मेहनत से आगे बढ़ो, तुमसे तुम्हारी पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता और तुमसे तुम्हारे सपने कोई नहीं छीन सकता। लल्लन टॉप पर लोकतंत्र को समझने का सिलसिला चलता रहेगा। रोशन सर, आपने इतना वक्त दिया, अपने स्टूडेंट से बात करने का मौका दिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? थोड़ा जल्दी से आ जाओ बहन, समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आइए दीदी, जल्दी आइए। लव कुमार जी, दरोगा बन जाइएगा तो तनख्वाह से ही काम चलाइएगा। आप ही के नाम के हमारे एक बड़े भाई हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, और बहुत ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, यूपी काडर के, 2004 बैच के। यूपी बिल्कुल ईमानदार ही रहना है, ये विकल्प नहीं है, ये इकलौता रास्ता है, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या कुमारी हूँ, मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मेरा यही शिकायत है कि मतलब यहाँ जब भी कोई लड़की रास्ता से चलती है, लड़का जो है ना, जो यहाँ का जो इतना कमेंट करता है ना, इस सबको लड़का कमेंट करता है, यस, इस सबको छक्का छुड़ा के रख देंगे, हम बोलते हैं ना, इतना चिल्लाता ना, अगर कोई लड़की से मतलब आपस में मैटर हो जाता तो ये लोग बहुत चिल्लाने लगता है। आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ है कि लड़का लोग को झगड़ा हो रहा है, कोई लड़की एक शब्द भी आवाज निकाल दी, वो इतना गंदा गंदा आवाज निकालता रहता है, खूब हो शोर करता रहता है। इस सबको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है कि मतलब कोई लड़की आई है घर से पढ़ने तो उसको पढ़ने दिया जाए, शांति से रहने दिया जाए क्लास में। कैसे सुधर सकती है स्थिति, क्या करना होगा? यही करना होगा कि लड़की लोग स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़की आवाज उठाएगी तो इन लड़का लोग थोड़ी ना रह जाएगा बोलने के लिए। सब लड़की आवाज उठेगी, एक को उठाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आई लोग खुद के बहन की जैसा दूसरे को बहन को नहीं समझ रहा है। लोग यही सब, किसी भी सड़क चलती लड़की को आपके घर में बहन हो ना भी हो तो भी हक नहीं है। आई लोग क्या कहते हैं कि दहेज नहीं लेते हैं, इन लोग का खुद डिमांड रहता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अगर छोटा सा भी जॉब हो गया ना तो 10 लाख 20 लाख 15 लाख इन लोग का डिमांड रहता है, लड़का लोग का डिमांड रहता है, उसके फैमिली वाला को तो रहबे करता, लेकिन लड़का लोग का खुद डिमांड रहता है कि हमको 10 लाख 15 लाख दहेज चाहिए। आई लोग बोलता है कि हम लोग दहेज नहीं लेते हैं, ऐसा कितना केस मेरे गांव से भी हुआ है। कहां गांव है तुम्हारा? मैं सीतामढ़ी की रहने वाली, बतना प्रखंड के सोनमा गांव से हूँ। तुम्हारी दोनों बातें बिल्कुल ठीक भी है और रिकॉर्ड भी हो गई, और मैं इस आक्रोश में तुम्हारे साथ भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी लड़के जिनकी आंख में थोड़ा भी पानी बचा है वो न सिर्फ इसको देखेंगे बल्कि हंसी में नहीं टालेंगे, है ना, खुद में बदलाव लाएंगे और आस पास ऐसा होने भी नहीं देंगे। ऐसे ही चिल्लाता रहता है, कुछ भी, एक गर्ल्स भी आएगी अंदर तो फिर भी चिल्लाएगा, जाएगी एक लड़की भी आएगी तो भी चिल्लाएगा, फिर भी चिल्लाएगा, जाएगी तो फिर भी उठेगी तब वो चिल्लाएगा। बड़ा बुरा हाल है भाई, पढ़ने यहाँ ये लोग पढ़ने नहीं आता, अधिकांशतः लड़का चिल्लाने दूसरे को डिस्टर्ब करने आता है यहाँ पे। सर इतना अच्छा पढ़ाते, ये लोग को समझ में नहीं आता कि सर को बात सुनेंगे तो कुछ आगे भविष्य में अगर देश के लिए कुछ करेंगे। ये लोग सिर्फ अपने में लाभ के चक्कर में ये लोग रहता है, दूसरे को फंसा के रखना चाहता है ये लोग। सर इतना, सर भी दरोगा क्वालिफाई किए हैं, इतना मेहनत से हम लोग को पढ़ाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ जरूर एक बार मतलब सक्सेस होंगे, एक बार में होंगे। आपकी बात दर्ज है, ठीक है? यस सर। और ये बात मैं दोहराऊंगा, अभी नाम आपका? संध्या कुमारी। संध्या, बिल्कुल ठीक बात कही तुमने, मैं तुमसे सहमत हूँ।
भैया दहेज वहेज मत लिया करो, कुप्रथा है, कैसे बदलेंगे ना? सब लोग संकल्प लोग हैं मिलके, सब लड़के लड़की वहाँ पे बोल रहे थे कि लड़की लोग भी तो बेरोजगार होता है, तो तुम ये कहो ना लड़की से कि रोजगार करे। और एक तुम्हारे सामने उदाहरण है, अगर शादी के समय लड़की नौकरी नहीं करती, ये देखिए यहाँ पे बैठी हुई थी, कहाँ गई वो, जिनकी हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर चांदनी। चांदनी के पति नौकरी करते हैं और पूरे अपने परिवार समाज से लड़के वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम तैयारी करो, पढ़ाई करो, तो सिर्फ इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा कि लड़की लोग भी तो बेरोजगार होता है, हम शादी कर लेते हैं। अगर आपको वाकई चिंता है तो उनको, हाँ उनको पढ़ाइए, अपने साथ जोड़िए, है ना जी। चलिए ये लंबी बातचीत है, एक भाषण से समाज नहीं सुधरेगा। आपके लिए आसान होगा कि आप मेरी बात को सिरे से खारिज कर दें कि कोई दिल्ली से आया था, ज्ञान देके चला गया, पर सोचिएगा जरूर। ललन टॉप की चुनाव यात्रा चलती रहेगी। रोशन सर आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। कैमरे के पीछे अमितेश कुमार और हमारे साथी अक्षय शेलके और पुष्य मित्र जी, जहाँ कहीं भी हो, थैंक यू।